हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परीक्षित जोबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, इस वीक के नए पावरफुल वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज पेरेंटिंग का सबसे बड़ा पावरफुल लेसन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। यस फ्रेंड्स, एंड ये लेसन के अंदर हम आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आई वुड रिकमेंड जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि एवरी वीक ऐसे ही नए पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। ये जो लेसन है वो एक मम्मी के बारे में है। जो मम्मी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, एंड वो एक बार अपनी ही सोसाइटी में रहती हुई एक बुजुर्ग लेडी के साथ बात कर रही थी। बात बात में ही उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बात करना चालू किया कि आप नहीं जानती मेरे बच्चे मुझे कितना परेशान करते हैं, मैं मेरे बच्चे को लेकर कितनी ज्यादा टेंशन में रहती हूं। जो बुजुर्ग लेडी थी उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, एंड तब वो लेडी बोलती है, तब वो मम्मी बोलती है कि मेरे बच्चे अपनी बैग को ठिकाने पर नहीं रखते, वो टाइम से खाना नहीं खाते, वो अपने आप होमवर्क नहीं करते, उनके हैंडराइटिंग खराब है, वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं लाते, वो मेरी बात नहीं सुनते, अपने कपड़े ठिकाने पे नहीं रखते, अपनी बैग ठिकाने पे नहीं रखते, और सुबह में उठते ही मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं, मम्मी मेरी बैग कहाँ है, मम्मी मेरी नोटबुक कहाँ है, मम्मा मम्मा मेरे परफ्यूम कहाँ है, और पूरा दिन मैं बच्चों के आगे पीछे घूमती रहती हूँ, मैं शायद बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, ये बच्चों का मैं क्या करूँ वो मुझे कुछ पता नहीं है। एंड तब मम्मी की ये परेशानी को सुनते हुए वो बुजुर्ग लेडी उनको बड़ा प्यारा सा जवाब देती है और कहती है कि आज जो तेरी परेशानी है वो सारी परेशानी मेरी सॉल्व हो चुकी है। आज मेरे दोनों बच्चे एक यूएसए के अंदर और एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेट हो चुका है। आज मेरा घर एकदम वेल सेट रहता है, साफ सुथरा है। आज कोई बच्चे की चीखने की चिल्लाने की आवाज नहीं आती, और ना ही बैग इधर होता है, और ना ही जूते उधर होते हैं, ना ही कपड़े इधर उधर होते हैं। मेरा घर एकदम शांत है, और आज मैं जब अपने पेरेंटिंग को याद करती हूँ, जब मेरे बच्चे छोटे थे वो समय को याद करती हूँ, तो मुझे आज लगता है कि काश मेरा साफ सुथरा घर मेरा बच्चा फिर से आके बिगाड़ दे, क्योंकि आज वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, शायद 2 या 3 साल में वो एकाध बार घर पे आ पाते हैं, एंड मैं रोज़ ये राह देखती हूँ कि कब मेरे बच्चे आए और कब घर इधर उधर करे, कब मुझे परेशान करे, क्योंकि मैं अकेली रहकर तंग हो चुकी हूँ, मैं अकेली रहते हुए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करना शुरू किया है मैंने। ये लेडी वो मम्मी को एक सिंपल सा मैसेज शेयर करना चाहती है कि एज अ मदर हमें लगता है कि हमारे बच्चे ये करें, हमारे बच्चे वो करें, हमारे बच्चे ऐसा करें, हमारे बच्चे वैसा करें, पर दोस्तों ज़रा सोचें, ये सारी चीज़ें हो गई, एक दिन जब बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, एक दिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, एक दिन जब आपके बच्चे अपने काम के अंदर सेट हो जाएंगे, उस समय पे जब आप उनके बचपन को याद करेंगे और अपने पेरेंटिंग के समय को याद करेंगे, तो शायद आपको लगेगा कि ये पल जिसको आज आप कोस रहे हैं, ये पल जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, वही पल होंगे जो पलों को लेकर आप अपना बुढ़ापा बिताते होंगे, वही पल होंगे जो आपके जीवन की वो गोल्डन मेमोरीज होगी। सो दोस्तों, एज अ पेरेंट यदि आपके घर के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो सारी चीज़ों के इधर उधर रखते हैं, सब काम प्रॉपर वे में नहीं करते, अपनी बैग को, अपनी बुक को, अपने शूज़ को, अपने जूतों को कहीं ना कहीं पे डालते रहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें एकदम ठीक हो जाएगी, तब शायद हम ये पलों को मिस करने वाले हैं। एंड इसीलिए एज अ मदर, एज अ फादर, बच्चों के भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता ना करते हुए उनके साथ आज के पलों को एंजॉय करना शुरू करें। यस, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा लिखेंगे,
पर शायद उनके अंदर थोड़े कम संस्कार होंगे, तो एज अ मदर एज अ फादर शायद हमें वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, वो चीज शायद हमें जिंदगी भर चुभेगी। एंड इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम बच्चों के साथ खेलना शुरू करें। हम बच्चों को तो बड़ा करना चाहते हैं, पर क्यों ना हम बच्चों के साथ छोटे हो जाए, बच्चों के साथ खेलना शुरू करें, बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग करना शुरू करें, बच्चों के साथ हर छोटे छोटे पलों को एंजॉय करना शुरू करें, बच्चों के भविष्य की चिंता में बच्चे के आज को बर्बाद ना करें, और बच्चे के साथ आज को एंजॉय करने के लिए एज अ मदर एज अ फादर आप क्या करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखें कि अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए आज का पेरेंटिंग, आज का समय एंजॉय करने के लिए आप बच्चों के साथ क्या करेंगे। आप उनको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुनाएंगे, आप बच्चों के साथ डांस या धमाल मस्ती करेंगे, आप बच्चों के साथ घर के अंदर ही छुपा छुपी खेलेंगे या ताश या कोई ऐसे इंडोर गेम खेलेंगे। बच्चों के साथ उनके बचपन को एंजॉय करने में आप क्या करेंगे, ये सवाल मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से यहां पर नीचे जवाब दे दो। एंड यस, ऐसे ही ढेर सारे और वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो दोस्तों जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और पेरेंटिंग के टॉपिक को लेकर मेरे काफ़ी सारे वीडियोज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिंक भी मैंने मेंशन की हुई है दोस्तों। सो यदि आपका बच्चा हाइपर है और उसको लेकर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो यस, उसका भी लिंक मैंने नीचे रखा हुआ है। बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं सो वो भी वीडियो का मैंने लिंक रखा हुआ है दोस्तों। मेरा पेरेंटिंग का जो सेमिनार है उसका भी मैंने लिंक रखा हुआ है। आई वुड रिकमेंड कि डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक्स को फाइंड आउट करें और ज़्यादा पेरेंटिंग के वीडियोज को देखें और आपके पेरेंटिंग को एंजॉय करें। वैसे ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड यस, यदि आपको कोई प्रश्न है एज अ पेरेंट आपके बच्चों को लेकर, तो आप जल्दी से मेरी मोबाइल ऐप परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच को डाउनलोड करें और उसमें आस्क अस में जाते हुए आप आपके बच्चे को लेकर कोई भी प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। पेरेंटिंग को लेकर यदि और ज्यादा आइडियाज आपको जानने हैं तो दोस्तों मेरा सक्सेसफुल पेरेंटिंग का बुक, जो पेरेंटिंग को लेकर चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर बेस्ट सेलर है, आई वुड रेकमेंड, इसके अंदर टोटल 7 लॉज है, वो डेफिनेटली आप पढ़ें। साथ ही साथ में मेरा पेरेंटिंग का डीवीडी है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने जस्ट यहाँ पर आप लोगों के साथ ऊपर शेयर की हुई है, वहां पर क्लिक करते हुए आप मेरी बुक या डीवीडी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड यस फ्रेंड्स, मेरा जब भी आपको वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिले, आप सभी लोग ये मेरे वीडियोस को देखते हैं, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, उसके लिए डेफिनेटली मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। एवरी वीक मैं ऐसा नया वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट यस दोस्तों, फुल डे का वर्कशॉप आप अटेंड करेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो वीडियोस के थ्रू आप लोग बेनिफिट ले ही रहे हैं, आप लोगों की कमेंट्स मुझे और नए वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बट दोस्तों मैं अगेन कहूंगा कि जब फुल डे में आप लोगों के साथ होऊंगा तो मैं आपको और ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स फुल डे के दरमियान शेयर कर पाऊंगा। सो दोस्तों मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही एक नए पावरफुल वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।